Hi everyone, welcome back. My name is Pooja Rawat and this is our series of ARD MCQs. Alright, so in today's session, we'll continue our discussion regarding the seed production and seed processing. And I've also added few questions from the dryland farming. Alright, so before we begin, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon. Alright. You can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you'll be notified with the upcoming videos and the exam notifications. Alright, so let us start. First question is, the cultivation of crops in the areas where annual rainfall is less than 750 mm is known as what? Dry farming, dryland farming, rain-fed farming, wetland farming or none of the above. So, aapko jo dryland agriculture hai, या ड्राईलैंड फार्मिंग जिसे हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉडर टर्म राइट, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनुअल रेनफॉल. सो आपका आता है इसमें ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड देन वी हैव रेन फेड फार्मिंग. ओके, सो फार्मिंग को आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. ड्राई फार्मिंग यानी कि रेनफॉल वुड बी लेस देन 750 mm, ड्राईलैंड फार्मिंग में इट वुड बी मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm एंड रेड फेंड पे क्या होगा आपका 1150 mm से ज़्यादा रेनफॉल होगी. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा लेस देन 750 mm ड्राई फार्मिंग कहते हैं इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स कैन बी यूज्ड इन द ड्राईलैंड फार्मिंग. सी ड्राईलैंड फार्मिंग आपकी जब हम करते हैं या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें आप क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर का कॉन्टेंट काफ़ी कम होता है राइट, रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम है और यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है वो दो प्रोसेस से होता है. फर्स्ट जो वाटर लॉस होता है बेसिकली दो प्रोसेस से होता है. फर्स्ट इज इवेपोरेशन एंड द सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं. इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम अर्थ सर्फेस. ठीक है, अर्थ के सर्फेस से वाटर का इवेपोरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट सर्फेस से वाटर का लॉस होता है. ठीक है, प्लांट सर्फेस से. अब अगर आपको ड्राईलैंड फार्मिंग करनी है, आपको एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन चाहिए, सॉइल मॉइस्चर का जो कॉन्टेंट है वो मेंटेन करना है, फेवरेबल बैलेंस बनाए रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इवेपोरेशन लॉसेस को कम करें या फिर ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कम करें. सो इवेपोरेशन लॉस को कम करने के लिए क्या एडवाइस किया जाता है कि मल्च का यूज़ किया जाए, मल्चेस का. सो मल्च विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द सॉइल सर्फेस. ऑलराइट, एंड इट दिस विल रिड्यूस दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ऑलराइट, सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट के सर्फेस जो वाटर लॉस हो रहा है उसको आप प्रिवेंट करें. अब इसको प्रिवेंट करने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टोमेटल क्लोजिंग, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव ग्रोथ रिटार्डेंट. तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल दीज मेथड कैन बी यूज एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट. एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो कि ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करेंगे, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे राइट. सो ऑल दीज मेथड कैन बी यूज एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट. स्टोमेटल क्लोजिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लांट है और इसकी लीव है, तो इसमें क्या होता है कुछ ओपनिंग्स होती हैं, स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में, और यहीं से वाटर का क्या होता है, लॉस होता है. अब आप क्या करें, इसको क्लोज कर दें. ठीक है, इस तरीके से आपको एक केमिकल इसके ऊपर लगा दें जिससे ये स्टोमेटास जो हैं वो क्लोज हो जाएं, तो ऑब्वियसली वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होगा वो कम हो जाएगा, वाटर लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा. सेकेंड है फिल्म फॉर्मिंग, यानी कि आप इस पूरे लीफ पर कोई वैक्स जैसी कोटिंग कर दें, पूरे लीफ पे एक वैक्स कोटिंग कर दें, तो ऑब्वियसली उससे भी आपका ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा. थर्ड इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि आपकी कोई लीफ है इसमें आप कुछ ऐसा वाइट कलर का केमिकल डाल दें, वाइट कलर का कुछ. अब वाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, ब्लैक कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है सनलाइट को. तो अगर आप कोई ऐसे रिफ्लेक्टिव मटीरियल इसके ऊपर अप्लाई कर दें जिसकी वजह से जो सनलाइट आ रही है वो पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए और इतना एब्जॉर्ब ना हो पाए, जिसकी वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं होगा और जो वाटर लॉस होगा वो भी कम होगा. थर्ड इज ग्रोथ, फोर्थ इज ग्रोथ रिटार्डेंट. ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करते हैं, बेसिकली जो प्लांट को क्या करेंगे, ये आपका अर्थ सर्फेस है, इसके रूट्स को बढ़ा देते हैं,
रूट्स की लेंथ को बढ़ा देते हैं और जो शूट होता है ऊपर जो स्टेम होता है इसको रिटार्ड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मतलब प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और रूट की लेंथ बढ़ती है, तो ग्रोथ रिटार्ड। अब अगर सरफेस से ऊपर प्लांट की हाइट बहुत कम होगी तो उसमें ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे और रूट जितने ज़्यादा लंबे होंगे तो वो वाटर को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतने नीचे तक पेनिट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑल दीज मेथड कैन बी यूज एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। नाउ दीज आर द केमिकल्स दैट आर यूज एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है साइकोसेल। नाउ दिस पी एम ए एंड एट्राजीन दे आर स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, ये दोनों आपके हो गए स्टोमेटल क्लोजिंग। मोबिलीफ आपका वैक्सी मटीरियल है, ठीक है। सो ये कौन सा होगा, फिल्म फॉर्मिंग। एंड देन केओलिन इज अ रिफ्लेक्टिव मटीरियल। सो रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज दिस क्रिडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड। So this is a very important institute that undertakes research activities related to the dryland agriculture, right? So this is an institute under ICAR, and the headquarters is in Hyderabad, and it was formed in 1985. Question number fifth is removal of the hard seed coat by rubbing the seeds with sandpaper to break the dormancy is known as what? See, seed में आपका dormancy induce होती है, तो dormancy induce होने का dormancy क्या, this is the temporary suspension of seed germination। जो seeds हैं although they are viable वो germinate हो सकते हैं, but due to unfavorable weather condition और immature embryo, किसी भी चीज़ की, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो सीड होता है वो डॉर्मेंट हो जाता है, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जांपल स्कैरिफिकेशन, लीचिंग, स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। सो ऑल दीज आर मेथड टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इन क्रॉप्स। अब इनमें से किस मेथड में आप सीड कोट को, जो हार्ड सीड कोट है उसको सैंड पेपर की हेल्प से रब कर रहे हैं सो दैट उसकी जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इज स्कैरिफिकेशन। सी, जो डॉर्मेंसी है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है अगर आपका हार्ड सीड कोट है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, यानी कि जो सीड कोट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब हार्ड सीड कोट है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप वाटर जब सप्लाई करते हैं, आपने सीड को सो कर दिया और आपने क्या किया, वाटर सप्लाई किया, तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है कि जो सीड होते हैं वो वाटर इम्बाइब करते हैं, द सीड अपटेक्स दिस वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वाटर इम्बाइब कर लिया है देन एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड, तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ दिस सीड कोट एंड फाइनली सीड जर्मिनेट्स, राइट। जब सीड कोट ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या होगा, आपका रेडिकल निकलेगा, यानी कि रूट निकलेगा, एंड देन देर विल बी शूट, स्टेम का डेवलपमेंट होगा, फाइनली सीड लीफ निकलेगी, ठीक है। तो हार्ड सीड कोट जब होता है उसको ब्रेक करने के लिए हम स्कैरिफिकेशन यूज़ करते हैं। फिर अनदर रीज़न बिहाइंड द डॉर्मेंसी इज कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या ग्रोथ इनहिबिटर्स हों, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं जो इस सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लीचिंग करते हैं केमिकल से, इनको सीड को सोक करेंगे कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स में, KNO3, CS2, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, तो उसमें आप इसको थोड़ी देर सोक करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, जितने भी ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, दे लीच्ड डाउन, एंड देन उसको फ्रेश वाटर से क्लीन करके आप अगर सो करेंगे तो क्या होगा, आपका सीड जर्मिनेट हो जाता है। देन देर इज़ अनदर मेथड नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपका जो सीड में डॉर्मेंसी है दैट इज़ ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर, ये तो एक्सटर्नल हो गए, अब सीड के अंदर ही जो एम्ब्रायो है, ठीक है, जो एम्ब्रायो है वो इमेच्योर है, यानी कि ये डेवलप ही नहीं हो पाया, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर एम्ब्रायो अच्छे से मेच्योर नहीं है तो ऑब्वियसली वो फाइनली उसका
जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, फाइनली जो सीड लीव्स है वो नहीं बन पाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टार्टिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। स्टार्टिफिकेशन में बेसिकली आप थर्मल स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं सीड में, आप क्या करेंगे स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो इमेच्योर एम्ब्रायो है वो मेच्योर हो जाते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप चिलिंग कर दें, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर में सीड को प्रिजर्व कर दें, नॉट प्रिजर्व, बेसिकली आप उसको लो टेम्परेचर में रख रहे हैं सीड्स को, अराउंड 0 to 5 degrees Celsius टेम्परेचर में। एंड सेकेंड होता है कि आप उसको हाई टेम्परेचर में रखें। सो हाई टेम्परेचर में क्या, 45 to 50 degrees Celsius के आप इसको अगर टेम्परेचर पे रखें सीड्स को, सो देर आर डिफरेंट टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। सो ऑल दिस मेथड यूज्ड फॉर टू ब्रेक दिस सीड डॉर्मेंसी, बट द प्रोसेस इन विच हार्ड सीड कोट इज रब विद सैंड पेपर इज नोन एज स्कैरिफिकेशन। ऑलराइट, सो रोगिंग इज नॉट directly related to the breaking of seed dormancy. Roging simply होता है कि अगर आप किसी crop field में जा रहे हैं, you are visiting some crop field and then you are plucking out all the off material, यानी कि जितना भी आपने for example rice sow किया है और इसमें जो भी external crop grow हो रही है, ठीक है, या weeds हैं, उसको basically आप pluck कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं। तो this is nothing but the removal of weeds or other off material of crops that is grown in the field. So I hope it's clear. Now question number 6 is, it seed village is also a topic under your seed production and seed processing वाले chapter में, so seed village is also under your syllabus. So now you have to identify which of the following is true regarding the seed village program. Alright, first is, this is one of the component of the submission on seeds and planting materials under the National Mission on Agriculture Extension and Technology. So this is the main mission, National Mission on Agriculture Extension and Technology under Ministry of Agriculture, उसके अंडर एक submission है on seeds and planting material, जिसका एक component आपका seed village program होता है। तो seed village program का objective क्या है, second statement है यहाँ पे, this includes increasing the seed production, first objective is to increase the seed production, second is to increase the seed replacement rate, and third is self-sufficient. So all these are correct. सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक फील्ड है उसमें आप सीड सो कर रहे हैं, सो नॉर्मली क्या करते हैं फार्मर्स जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसी टाइम पे कुछ सीड्स को नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, और नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में क्या होता है उन्हीं सीड्स को सो करते हैं। ना गवर्नमेंट वॉन्ट कि फार्मर्स सेव सीड जो है उनको यूज़ ना करके सर्टिफाइड सीड्स को यूज़ करें फार्मर, ठीक है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट यही है कि आप एक पर यूनिट एरिया में कितना एरिया इज अंडर सर्टिफाइड सीड्स, ठीक है, दिस इज नोन एज सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो क्वालिटी सीड्स हैं दे शुड बी प्रोड्यूस्ड, राइट, तो इसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो 3 days ट्रेनिंग इज गिवन टू द फार्मर। तो ये 3 days की जो ट्रेनिंग है ये 1-1 day की में डिवाइड की जाती है। सो एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी रिगार्डिंग दी सोइंग प्रोसीजर, ठीक है, सीड्स को किस तरीके से सो करना है। देन सेकेंड डे ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको किस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी देनी है, कैसे हार्वेस्ट करना है, राइट, एंड थर्ड 1 day ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से सीड्स को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, किस तरीके से स्टोर करना चाहिए, प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए। सो दीज ट्रेनिंग 3 day ट्रेनिंग्स आर गिवन टू द फार्मर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट there is a component in which 50% subsidy is given to the farmers for buying these quality seeds. Alright, so this was regarding the seed village program and both of these statements are correct, so C would be the right answer. Now next question is, during the germination of seeds the seed coat ruptures due to what? The massive imbibition of water, differentiation of cotyledons, a sudden increase in the cell division, or the massive glycolysis in the cotyledons. The correct answer is massive imbibition in the water. So I've already explained the procedure jisme seed kya hota hai, first it uptakes the water, seed imbibe karta hai is water ko, drink karta hai, basically imbibe karta hai is water ko, then enzyme gets activated, hydrolysis hota hai unka, they get activated and the metabolism rate increases, because of this a lot of energy produces and this seed coat ruptures. All right,
सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैसिव इम्बाइबेशन ऑफ द वॉटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इससे पहले देखिए थ्री टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और मिक्सड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन. सो यहाँ पे देखते हैं हमें. सो पॉलिनेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योर एक्सेशन वन हैज़ टू असर्टेन द नेचर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ द सीड क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल आपको इसका मतलब ये है कि प्योर एक्सेशन मतलब कि जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सीड आप प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर उनमें जेनेटिक प्योरिटी आपको मेंटेन करनी है तो आपको पॉलिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो पॉलिनेशन के बारे में अगर आप पता होगा कि क्रॉप कौन सी क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, कौन सी क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, उस हिसाब से आप अपनी आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे. जिन क्रॉप्स में क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होना चाहिए. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, है ना. आइसोलेशन डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू नीड टू मेंटेन बिटवीन व्हाइल यू ग्रोइंग टू वराइटीज ऑफ अ सिमिलर क्रॉप. Right, so this is the distance between the two different varieties of the same crop while you're producing seeds. So pollination can be self-pollination. Self-pollination mein kya hoga, the pollen would come from the same flower, all right, or another flower of the same plant. So ek plant hai, isme, for example, maan lijiye do flowers hai. So self-pollination mein jo pollen hoga, wo to ya to fir isi flower se aa jaye, या फिर सिमिलर प्लांट के अनदर फ्लावर से पॉलन जो है यहाँ पर आ जाए. तो पॉलन ग्रेन की हेल्प से दिस पॉलन वुड बी ट्रांसफर्ड हियर एंड उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा. तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ कहाँ होते हैं, पेडी, ग्रीन ग्राम, ग्राउंडनट, टमेटोज, इन क्रॉस में सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन में टू प्लांट्स आर नेसेसरी. अब इसमें अगर दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये फ्लावर है, तो जो पॉलन होगा वो इस फर्स्ट प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होगा. दिस इज वन प्लांट एंड, ठीक है, तो इस यहाँ से पॉलन वुड बी ट्रांसफर टू द अनदर प्लांट. इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन आपको होता है सनफ्लावर, कैस्टर, मेज, बाजरा, क्यूकरबिट्स. देन वी हैव ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन. ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में अकर. सो देर आर 50-50% चांसेस कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए. एग्जाम्पल क्या है, चिलीज, रेड ग्राम और सेसमी. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, यहाँ का जो करेक्ट आंसर वो है ग्राउंडनट. तो ग्राउंडनट में आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बाकी इनमें आपका सनफ्लावर, मेज, इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. बोले नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नाइन्थ क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राई लैंड सॉइल. तो ड्राई लैंड से नाम से पता चल रहा है कि मॉइस्चर तो कम होगा, फर्स्ट थिंग तो हमें पता ही है, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. ड्राई लैंड एरियाज में क्या होता है, सैंडी स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है इसकी. सो ऑब्वियसली फर्स्ट तो सही है. नाउ सेकेंड इज डेफिशियंट इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट. ड्राई लैंड सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट. That's why they lack in these macronutrients. All right. Third is low fertility. Obviously, they cannot hold water. They are poor in macronutrients, so they have low fertility. So all of these statements are correct. The last question is, which of the following is true regarding the truthfully labored seeds? See, last session mein humne seeds, different classes of seeds padhi thi, jisme humne nuclear seed, breeder, foundation, certified, ye seeds padhi thi. Now there is another class of seed which is known as truthfully labored seed. But इसमें क्या होता है, उन सभी seeds के classes में they were under the department of seed certification. All right, and उस वहाँ पर क्या होता है, आपको certification, एक certificate issue किया जाता है उनमें, एक tag issue किया जाता है different color का, right? इसमें first statement देखते हैं, they do not come under the purview of the department of seed production. This one is correct. So truthfully labored seed जो है, they can be grown by farmer. Any farmer can grow these seeds. Okay, जिसको हम बोलते हैं truthfully labored seed. Second statement, labeling is compulsory but certification is voluntary. So इसमें certification compulsory नहीं होता है. Farmer may or may not go for the certification process. So normally इसके physical purity को ही check करते हैं, ठीक है, genetic physical property को check करते हैं और बाकी इसकी viability, vigor और ये सारे test जो है सीड्स के, सीड डज नॉट अंडरग्रो थ्रू दीज टेस्ट. ऑलराइट, सो लेबलिंग इज कंपल्सरी. तो इसमें एक लेबल दिया जाता है
लेबल लगाया जाता है, ओपल ग्रीन कलर का लेबल होता है, ऑलराइट। बट सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेशन इज कम्प्लीटली वॉलंटरी। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक इट, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। And in the next session, we'll be covering some important MCQs related to the soil and the plant nutrients. So that is also a very important topic. So stay tuned. All right. We'll see you in the next session. Till then, keep working hard, keep studying.